दोस्तों, गो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक बोर्ड गेम है जो कि आज से 2500 साल से भी ज्यादा पहले एंशियंट चाइना में डिस्कवर किया गया था। लेकिन दोस्तों, किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली इसका इन्वेंशन किसने किया था। लेकिन दोस्तों, इन सबके बावजूद भी ये दुनिया का आज तक का सबसे कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। इसे एक 19x19 स्क्वायर्स के बोर्ड पे खेला जाता है, यानी कि इसमें कुल मिला के 361 स्क्वायर्स होते हैं। और दोस्तों, इसमें पीसेस को बॉक्सेस के अंदर न रख के लाइंस के इंटरसेक्शन पे रखा जाता है, जिससे कि बोर्ड में जगह बचाने में भी मदद मिलती है। क्योंकि अगर इंटरसेक्शन पे पीसेस को ना रखा जाता तो बोर्ड और भी ज्यादा बड़ा करना पड़ता या फिर बड़े बोर्ड की जरूरत पड़ती। वैसे इससे एक बात तो पता चल जाती है कि चाइनीज भी इंडियंस जितने ही ज्यादा जुगाड़ू होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गो गेम या फिर वेईची गेम कैसे खेला जाता है। जी हाँ, इसको चाइनीज में वेईची कहा जाता है। वेई का मतलब है घेराबंदी करना और ची का मतलब है चेस, यानी कि घेराबंदी करने वाला चेस गेम। दोस्तों, क्यू आई को चाइनीज में ची पढ़ा जाता है, क्योंकि क्यू को चाइनीज में चा पढ़ा जाता है, सो इसलिए इसका नाम वेईची है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसा कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गो को 19x19 के बोर्ड पर खेला जाता है, पीसेज को इंटरसेक्शन के ऊपर रखा जाता है और इसमें दो पीसेज होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, जो कि नॉर्मली एक स्टोन होते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जो फर्स्ट मूव होती है नॉर्मली ब्लैक की होती है। और दोस्तों, इसमें चार बेसिक रूल्स होते हैं जो कि गेम का फ्लो तय करते हैं कि गेम कैसे खेला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि पीसेज को बोर्ड पर रखा जाता है और तब तक वहां से नहीं हिलाया जाता जब तक कि वो कैप्चर ना हो, ठीक है ना। मतलब अगर आपने फर्स्ट रूल में आपको सबसे पहले पीस को रखना है बोर्ड पे, पीसेज को कहीं पे भी आप रख सकते हैं और उससे आप तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कि वो कैप्चर ना हो, सिंपल सी बात है। दूसरा नियम देखते हैं हम जरा। तो जो दूसरा नियम है वो इस बारे में है कि पीसेज को कैप्चर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जो खाली इंटरसेक्शन होते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई पीस रखा तो उसके चारों तरफ खाली इंटरसेक्शन बन जाएंगे, यानी कि खाली खाली लाइन्स बन जाएंगे, उन्हें लिबर्टीज कहा जाता है। यानी कि अगर कोई पीस बोर्ड के मिडल में है तो उसके आसपास चार लिबर्टीज होते हैं, ठीक है, चार लिबर्टीज होते हैं। अगर कोई पीस एज में है तो उसके आसपास तीन लिबर्टीज होते हैं, और अगर कोई पीस कोने में है तो उसके दो लिबर्टीज होते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद जो अगला नियम है वो है कोर रूल्स, यानी कि जो नियम है उनके साथ में जो दूसरे नियम होते हैं। तो दोस्तों, अब तीसरा नियम देखने से पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी पीस को कैप्चर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी पीस है उसके चारों तरफ अगर कोई पीस उसे घेर लेता है तो वो कैप्चर अपने आप हो जाता है, वो कैप्चर पीसेज की लिस्ट में आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर जैसे कोई पीस है, अगर उसे उसके चारों तरफ कोई जो आपका ओपोनेंट है उसके पीसेज लगा दिए जाते हैं, उनकी लिबर्टीज के अंदर आपका पीस आ जाता है, तो वो अपने आप कैप्चर हो जाएगा। और अगर आपके पीसेज का पूरा ग्रुप है उसको चारों तरफ से जो आपका ओपोनेंट है वो घेर लेता है अपने पीसेज से, तो पूरे के पूरे पीसेज एक साथ में कैप्चर हो जाएंगे, ग्रुप कैप्चर हो जाएंगे। तो दोस्तों, कोर रूल्स देखते हैं। तो दोस्तों, कोर रूल ये है कि अगर कुछ इस डायग्राम जैसी अगर कभी पोजीशन आ जाए, ठीक है ना, अगर कभी इस डायग्राम जैसी पोजीशन आ जाए तो आप बीच में अपना पीस नहीं रख सकते। क्योंकि अगर आप पीस रखेंगे तो इससे होगा ये कि दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, आपका ओपोनेंट भी आपको कैप्चर कर रहा है, आप भी अपने आपके ओपोनेंट को कैप्चर कर रहे हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर चेस में आप रिपीटेड मूव्स चल देते हो तो गेम ड्रॉ हो जाता है, लेकिन दोस्तों इस गेम में ऐसा नहीं होता, वेईची में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, आप जरा देखते हैं कि गेम आखिर खत्म कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि अगर आपके ओपोनेंट ने पहले से कोई टेरिटरी कैप्चर कर रखी है तो मतलब उसको पूरी तरह से उसको घेराबंदी उसकी कर रखी है, तो आप उसके बीच में अपना पीस नहीं डाल सकते, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, गेम तब खत्म होता है जब ऐसा कोई भी मूव नहीं बचता, कि कोई भी ऐसी टेरिटरी नहीं बचती है जहां पे कि आप अपने पीस को चल सके, क्योंकि पहले ही पूरी तरह से बोर्ड पे कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती है। तो जब भी ऐसी पोजीशन है गेम खत्म हो जाता है, और अब यह देखा जाता है कि किसके पास ज्यादा टेरिटरी है, ठीक है। तो अगर आपके पीसेज ने पूरे पूरे बोर्ड को घेरा हुआ है तो देखा जाएगा कि उसने कितने इंटरसेक्शन को घेरा है, उन पीसेज को मिला के जो कि इंटरसेक्शन पे है, तो टोटल गिना जाएगा, ठीक है। और जिसने ज्यादा इंटरसेक्शन को घेरा होगा वो गेम को जीत जाएगा, और जो भी 50% से ज्यादा इंटरसेक्शन को घेर लेता है वो सिंपली गेम को जीत जाता है। और अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कभी कभी व्हाइट को कंपनसेशन के लिए ज्यादा पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि ब्लैक की फर्स्ट मूव होती है, इसलिए व्हाइट को कंपनसेशन दे दिया जाता है कि लास्ट में कैलकुलेट करते वक्त व्हाइट को 2 या 3 पॉइंट ज्यादा दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था गो गेम खेलने का तरीका। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।